क्वेश्चन नंबर 11, माही एंड रजत वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3। दे एडमिटेड कृपा एज अ न्यू पार्टनर। कृपा बॉट 60,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम व्हिच वाज एंटायरली क्रेडिटेड टू माहीज कैपिटल अकाउंट। ओके, इनडायरेक्टली वो आपको बता रहे हैं कि कृपा जो भी गुडविल लाई वो पूरी की पूरी किसको दे रही है? माही को। तो गुडविल इज द कॉम्पेंसेशन गिवन बाय द गेनिंग पार्टनर टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यस और नो? यस सर। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। तो पहली बात, इस लाइन से ये पता चल गया माही इज द ओनली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यस और नो? Yes, अगर पूरी की पूरी गुडविल माही को मिल रही है, रजत को कुछ नहीं मिल रहा, तो मतलब रजत ने कुछ सैक्रिफाइस नहीं करा होगा। ये बात तो क्लियर है? Yes, sir. Okay. कृपा बॉट 60,000 as her share of goodwill. On the date of admission, goodwill of the firm was valued at 4,20,000. ध्यान से देखना, goodwill of the firm is 4,20,000. If Kripa brings 60,000 for her share, so her share is, उसका शेयर कैसे निकालेंगे? तो let हर शेयर बी एक्स। तो एक्स अगर उसका शेयर है तो उसके शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे गुडविल ऑफ द फर्म को 4,20,000 इंटू एक्स इज 60,000, यस और नो? तो एक्स इज इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाय 4,20,000, 6,7, तो उसका शेयर क्या होगा? 1/7। ये समझ आया कैसे निकला? Yes, sir. Interesting question. तो कृपा का शेयर 1/7 है, कौन दे रहा है उसको? पूरा का पूरा माही दे रही है, यस और नो? यस। तो हमें ये पता चल गया इन कैलकुलेशन से, माहीज सैक्रिफाइस इज 1/7, कृपाज गेन इज 1/7, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड पार्टनर कौन? माही। ओल्ड रेशियो क्या था माही का? 4/7। 4/7 में से उसने कितना दे दिया? 1/7, तो कितना बच गया? 3/7। दूसरा कौन है? रजत। रजत कह रहा है तुम जो मर्जी करो, मैं कुछ नहीं देने वाला। तो रजत का तो पहले भी 3/7, अभी भी 3/7। कृपा न्यू पार्टनर एडमिटेड फॉर 1/7, तो न्यू रेशियो इज 3:3:1। क्लियर? यस सर। सबको समझ आया क्वेश्चन नंबर 11? अच्छा क्वेश्चन है काफी। लैंग्वेज में खेलेंगे वो आपके साथ, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज।